नमस्कार साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, तीर्थराज प्रयाग में मैं खड़ा हूं और यह पक्षी बांध का एरिया है। यहां पर दो बैरियर पड़ते हैं। इससे पहले यह बैरियर जिसके लिए लोग लाइन में लगे हैं, 2 साल पहले यह बैरियर हमेशा उठा रहता था, किंतु प्रयाग घाट स्टेशन बन जाने के कारण अब ट्रेनों का आवागमन इससे भी होने लगा है, जिसके कारण यदि एक बैरियर खुला रहता है तो दूसरा बैरियर बंद हो जाता है और ये बंद हो जाता है। इससे यहाँ पे आने और जाने वालों को काफी दिक्कत का सामना पड़ता है। सबसे बड़ी बात कि इस रोड से प्रतिदिन कम से कम 10,000 की संख्या में स्टूडेंट, छोटे से लेकर बड़े स्टूडेंट तक गुजरते हैं और बैरियर बंद होने के कारण उनको कोचिंग, विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ भी जाना होता है वह विलम्ब से पहुँचते हैं। तो कहने का मतलब हर्षवर्धन वाजपेयी शहर उत्तरी के विधायक हैं और उन्होंने अपने चुनावी समय में यह सबसे बड़ा वादा किया था कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो शहर उत्तरी में यहाँ पे पुल निर्माण का काम सबसे पहला दायित्व बनता है, जो कि लगभग 2.5 साल बीत चुके हैं उनके कार्यकाल के और अभी तक इस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया। बने रहिए हमारे साथ, क्या कुछ है और है खास मैं बताऊंगा आपको।